नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक कंसारा आज के ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जानकारी लेंगे जिसका नाम है ह्यूमन कंफर्ट। आज हम यह भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ह्यूमन कंफर्ट को अफेक्ट करते हैं। तो हम ये सारी चीज़ों की जानकारी लेंगे, उससे पहले हम सबसे पहले ह्यूमन कम्फर्ट की यदि डेफिनेशन देना चाहें तो ह्यूमन कम्फर्ट की डेफिनेशन आपकी अकॉर्डिंग टू एशरे, एशरे आपकी एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, अमेरिकन रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसके जो फुल फॉर्म होती है वो होती है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीटिंग रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स, तो ASHRAE, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीटिंग रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स। तो ये एशरे है आपका, इन शॉर्ट एशरे हम बोलेंगे इसको। इसके हिसाब से जो ह्यूमन कम्फर्ट होता है, तो ह्यूमन कम्फर्ट इज दैट कंडीशन ऑफ माइंड विच एक्सप्रेस सेटिस्फेक्शन विथ थर्मल एनवायरमेंट। मीन्स ह्यूमन कम्फर्ट है आपका, वो टोटली किस पर डिपेंड करता है, माइंड के ऊपर। यदि आपका माइंड सेटिस्फेक्शन फील करता है एनवायरमेंट के साथ तो दैट इज ह्यूमन कम्फर्ट, और यदि आपका माइंड है वो सेटिस्फेक्शन फील नहीं करता है तो वो क्या है, आपका अनकम्फर्टेबल कंडीशन हो जाएगी। तो कम्फर्ट कंडीशन है वो टोटली किस पर डिपेंड करती है, पर्सन पर डिपेंड करती है। कोई पर्सन होगा वो लोअर टेम्परेचर पर कम्फर्टेबल फील करेगा, कोई पर्सन होगा वो हाई टेम्परेचर पर कंफर्टेबल फील करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कंफर्टेबल कंडीशन है वो टोटली किस पर डिपेंड करती है, आपकी माइंड की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है। अगर से और ये कंडीशन क्या आपकी माइंड टू माइंड वेरी भी करती है। साथ ही साथ अगर हम देखेंगे जो क्लाइमेट्स है वो भी क्या करता है, आपका ह्यूमन कम्फर्ट को अफेक्ट करता है। जैसे हम बात करें जो जम्मू कश्मीर में रहने वाला बंदा है, यदि हम इंडिया में जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में जो रहने वाला बंदा है वो क्या करेगा आपका, उसको हमेशा लोअर टेम्परेचर पे ही वो कंफर्टेबल फील करेगा क्योंकि वो क्लाइमेट है वो उसको सूट करता है। आदिवासी वही हम राजस्थान की बात करें जैसलमेर बाड़मेर की, तो वो पर्सन जो होगा वो क्या करेगा आपका हाई टेम्परेचर पर कंफर्टेबल फील करेगा। तो वहाँ भी क्या आ गया आपका, इस टोटली डिपेंड ऑन द माइंड कंडीशन, उनका माइंड सेट हो गया है कि हम लोअर टेम्परेचर पर कंफर्टेबल फील करते हैं। तो सिंपली ये कम्फर्ट कंडीशन है वो किस पर डिपेंड करती है, माइंड के ऊपर डिपेंड करती है। यदि हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में जो हीट सोर्स होता है आपका, हीट सोर्स होता है जिसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म इन ह्यूमन बॉडी। यदि हम मेटाबॉलिज्म को अगर समझना चाहते हैं तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, सबसे पहले इस चीज़ को समझो। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म में यदि हम भोजन खा रहे हैं या फूड ले रहे हैं तो फूड का क्या होगा, फूड का पाचन होगा, और पाचन होने से क्या होगी आपकी बॉडी के अंदर हीट जनरेट होगी। आदिवासी में तो प्रोसेस, आगे समझ द प्रोसेस ऑफ कम्बशन ऑफ फूड इज कॉल्ड द मेटाबॉलिज्म। तो हम ये कह सकते हैं हमने जो फूड खाया और फूड का पाचन हुआ और उस पाचन होने से जो हीट जनरेट हुई उसी को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। आगे समझ, तो फूड का पाचन करने की क्रिया क्या कहलाती है आपकी, मेटाबॉलिज्म कहलाती है। और इस मेटाबॉलिज्म की वजह से क्या होगा आपका, इस मेटाबॉलिज्म की वजह से हीट जनरेट होगी। तो हमारी बॉडी क्या है, हमारी बॉडी भी एक आईसी इंजन या हीट इंजन की तरह कार्य करती है। हीट इंजन में क्या होता है आपका, फ्यूल हम डालते हैं, फ्यूल का कम्बशन होगा और फ्यूल के कम्बशन होने की वजह से क्या होती है, हीट जनरेट होती है। अब क्या होता है, जब हीट जनरेट होती है तो इंजन क्या करता है, उस हीट का कुछ पार्ट तो वर्क में कन्वर्ट करता है और बाकी पार्ट क्या होता है, हम उसका लॉस्ट करवाते हैं, लॉस्ट हो जाता है। कैसे लॉस्ट होता है, उस हीट का कुछ पार्ट आपका कूलिंग में लॉस्ट हो जाएगा, उस हीट का कुछ पार्ट आपका रेडिएशन में लॉस्ट हो जाएगा, उस हीट का कुछ पार्ट आपका फ्रिक्शन में लॉस्ट हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे हीट का क्या हो जाता है, आपका लॉस्ट हो जाता है। आगे बात समझे, तो दैट इज हीट इंजन। तो हमारी जो बॉडी है वो भी क्या करती है, आपकी हीट इंजन की तरह कार्य करती है। तो हमारी बॉडी में जब हम फूड खाएंगे तो फूड का क्या होगा, फूड का कम्बशन होगा, उस कम्बशन का मीन्स आपका पाचन होगा, उस पाचन से हमारे बॉडी में क्या होगी, आपकी हीट जनरेट होगी। अब ये जो हीट जनरेट हुई, बॉडी के अंदर, इस हीट की जो रेट होती है, आगे से जनरेट होने की जो रेट होती है उस रेट को हम बोलते हैं मेटाबॉलिक रेट। आगे समझे, तो फूड का अगर कम्बशन होगा, आगे समझे, कम्बशन का मतलब होता है पाचन, उस पाचन को ही हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म कहलाते हैं। अब बात आती है वो हीट जो जनरेट हो रही है वो किस रेट से होगी, किस गति से होगी, उस गति को हम बोलते हैं मेटाबॉलिक रेट। तो रेट एट विच बॉडी प्रोड्यूस हीट इज कॉल्ड मेटाबॉलिक रेट। देखो ये जो मेटाबॉलिक रेट है आपकी, जो हीट जनरेट जो बॉडी के अंदर हो रही है वो टोटली डिपेंड करती है पर्सन के ऊपर। पर्सन आपका हेल्दी है तो उसकी जो मेटाबॉलिक रेट होगी वो क्या होगी, काफ़ी बढ़िया होगी। अगर पर्सन सीक है आपका, बीमार है आपका, आगे बीमार है आपका, उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि वो आपका जैसे
फास्टिंग है आपका, पर्सन ने अगर फास्टिंग कर रखा है दिन भर, तो उसके मेटाबॉलिक रेट में क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ गया। अगर समझ में, तो हम ये बोलेंगे जो मेटाबॉलिक रेट है आपका, एक हेल्दी पर्सन है आपका, तो उसके मेटाबॉलिक रेट होगी वो क्या होगी, काफी हाई होगी। अगर समझ में, तो मेटाबॉलिक रेट क्या है आपकी, जो किस रेट से आपकी जो बॉडी के अंदर हीट जनरेट होगी। तो आपका अगर पाचन आपका फास्ट है तो मेटाबॉलिक रेट आपकी हाई होगी, पाचन आपका स्वस्थ नहीं है तो आपकी मेटाबॉलिक रेट होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर समझ में, तो हमें क्या करना है, कोई भी ह्यूमन बीइंग है आपका, वो अगर कंफर्टेबल कब फील करेगा, हम ये जानने की कोशिश करें। तो किसी भी ह्यूमन बीइंग को कंफर्टेबल फील करने के लिए क्या करना होगा, उसकी बॉडी के अंदर जो हीट जनरेट हुई, उस पूरी की पूरी हीट को उसको क्या करना पड़ेगा, उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा सराउंडिंग को। आगे बात समझ में, हमारी बॉडी है जिसके अंदर हीट जनरेट हुई, वो हीट क्या होती है, एक डिजायर्ड टेम्परेचर पे वो क्या करती है, कंफर्टेबल फील करती है। तो हमारी बॉडी का यदि हम इंटरनल टेम्परेचर की बात करें, तो बॉडी के अंदर जो इंटरनल टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि हमारे बॉडी के अंदर 37 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन रहे तो बॉडी क्या करेगी, कंफर्टेबल फील करेगी। और यदि ये टेम्परेचर 37 से ज़्यादा या कम हो जाए तो बॉडी क्या हो जाती है, अनकंफर्टेबल फील करना शुरू करती है। अब बात आती है बॉडी के अंदर टेम्परेचर बढ़ेगा कैसे, तो हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं, जब फूड का पाचन होगा या फूड का कंबशन होगा या मेटाबॉलिज्म की वजह से क्या होगा, मेटाबॉलिज्म की वजह से बॉडी के अंदर हीट क्या होगी, हीट जनरेट होगी। तो हीट जनरेट होगी तो बॉडी का टेम्परेचर क्या करेगा, बढ़ने की कोशिश करेगा। तो उस समय हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी जो होती है वो क्या करती है, हीट को रिजेक्ट करना शुरू करती है। तो पहली चीज, जो हीट जनरेट हुई उसका कुछ पार्ट तो क्या हो जाएगा, हम वर्क दिन भर जो कार्य करेंगे उसमें खर्च होगा। हमारी बॉडी दिन भर जो जो कार्य करेगी उसमें खर्च होगा हीट का कुछ पार्ट तो, और बाकी पार्ट हीट का कहाँ हो जाता है, हम बाकी पार्ट हीट का क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। तो हम हीट को रिजेक्ट करने के लिए यहाँ पे जो हीट का जो ट्रांसफर होता है या हीट का रिजेक्शन होता है वो हम तीन तरीके से करते हैं। हमारी बॉडी में जो हीट जनरेट हो रही है वो तीन तरीके से रिजेक्ट होती है। पहला जो रिजेक्शन प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं इवोपरेशन। तो हमारा जो हीट ट्रांसफर यहाँ पे होगी हमारी बॉडी से एनवायरनमेंट को। आगे बात समझो, हमारी बॉडी में जो जो हीट जनरेट हुई हम क्या करेंगे, सराउंडिंग या एनवायरनमेंट को छोड़ देते हैं। अदरवाइज हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने की कोशिश करेगा या कम होने की कोशिश करेगा। हम दिन भर अगर कुछ खाते ही नहीं है तो हमारी बॉडी के अंदर हीट ही जनरेट नहीं होगी, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, सिक होने की कोशिश करेंगे, हमारी बॉडी का टेम्परेचर डाउन होने की कोशिश करेगा। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो हीट जनरेट हो रही है उसको क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। तो हम तीन तरीके से हम हीट को रिजेक्ट कर सकते हैं हमारी बॉडी से। जो पहला प्रोसेस है उसको बोलते हैं इवोपरेशन, सेकेंड प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं रेडिएशन, और थर्ड प्रोसेस है उसको बोलते हैं कन्वेक्शन। इवोपरेशन में क्या होता है, देखो इवोपरेशन में क्या होता है, हमारी जो बॉडी होती है वो सेल्फ भी इवोपरेशन करती है और हम एक्सटर्नल भी इवोपरेशन करवा सकते हैं। सेल्फ इवोपरेशन में क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो बॉडी के अंदर क्या होगी, स्वेटिंग होगी, पसीना होगा, और वो पसीना क्या होगा आपका, जब एयर के कॉन्टैक्ट में आएगा तो उसका क्या हो जाएगा, पसीने का इवोपरेशन होगा, और इवोपरेशन की वजह से क्या हो जाएगा, बॉडी का टेम्परेचर डाउन होने की कोशिश करेगा। तो दैट इज कॉल्ड द इवोपरेशन प्रोसेस। दूसरा तरीका होता है इवोपरेशन में कि हमारी जो बॉडी है, यदि हम गीली है बॉडी के ऊपर हम पानी का स्प्रे कर दें या हमारी बॉडी गीली है, तो गीली बॉडी जब एयर के कॉन्टैक्ट में आएगी तो वो जो बॉडी के ऊपर जो वाटर पार्टिकल हैं वो क्या हो जाएंगे, उसका इवोपरेशन शुरू होगा और बॉडी क्या हो जाएगी आपकी, उसका टेम्परेचर डाउन करने की कोशिश करेगी। तो वन मेथड इज कॉल्ड इवोपरेशन। एक चीज समझनी है, जो इवोपरेशन है वो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव का मतलब है हमारी बॉडी से जो इवोपरेशन की वजह से हीट हमेशा क्या होगी, बॉडी से सराउंडिंग की तरफ जाएगी, कभी भी सराउंडिंग से बॉडी की तरफ हीट आने की कोशिश नहीं करेगी। जो सेकंड मेथड है उसको बोलते हैं रेडिएशन। रेडिएशन का मतलब ये है, सपोज करो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो लो है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर वो हाई है। सराउंडिंग का टेम्परेचर लो है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर वो क्या है, हाई है। तो हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर साइड। आगे बात समझ में, तो कहाँ होगा आपका, हमारी बॉडी क्या करेगी, हीट को इमिट करेगी। आगे बात समझ में, हीट इमिट होगी और वो इमिट हीट कहाँ जाएगी, एनवायरमेंट के अंदर चली जाएगी। तो वो जो हीट का इमिशन होगा वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर के साथ लो टेम्परेचर की तरफ होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन बोलते हैं। आगे बात समझ में, यदि रेडिएशन में आप समझना चाहोगे तो रेडिएशन में क्या होता है आपका, रेडिएशन डिपेंड करता है एनवायरनमेंट की कंडीशन पर। तो रेडिएशन पॉजिटिव होगा कब, जब आपकी बॉडी से एनवायरनमेंट की तरफ जाएगा, और रेडिएशन नेगेटिव कब होगा, जब हीट आपकी एनवायरनमेंट से बॉडी की तरफ आएगी। सपोज करो बॉडी का टेम्परेचर कम है और एनवायरनमेंट का टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया, तो उस समय आपका क्या हो जाएगा, उस समय जो हीट है वो कहाँ आएगी आपकी, उस समय हीट आएगी आपकी एनवायरनमेंट से
बॉडी की तरफ, आगे बात समझे, तो यहाँ उल्टा आपकी बॉडी को, ये बॉडी का टेम्परेचर क्या करेगा, बढ़ाएगा। उस केस में हम चाहते हैं बॉडी का टेम्परेचर कम करना, बट आपका एनवायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ गया और बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया, तो उस केस में रिवर्स, रिवर्स क्या होगा, आपकी हीट कहाँ से कहाँ आएगी, उस केस में हीट आपकी एनवायरमेंट से बॉडी के अंदर आने की कोशिश करेगी। सिमिलरली कन्वेक्शन, कन्वेक्शन का मतलब होता है अगर यदि हम अगर हीट ट्रांसफर किसी मीडियम के थ्रू करवा रहे हैं, तो यहाँ हम कन्वेक्शन में क्या करते हैं, एयर का यूज़ करते हैं। यदि हमारी बॉडी के ऊपर एयर का फ्लो करवाएं, तो वो एयर के जो पार्टिकल्स होंगे वो बॉडी के जो हीट है उसको लेके क्या होंगे, उठने की कोशिश करेंगे। ऐसा प्रोसेस क्या कहलाता है, कन्वेक्शन कहलाता है। तो जब एयर के पार्टिकल बॉडी के कॉन्टैक्ट में आएंगे, तो ये भी किस पर डिपेंड करता है, एनवायरमेंट के टेम्परेचर के ऊपर। यदि मेरी बॉडी का टेम्परेचर हाई है और एनवायरमेंट की एयर का टेम्परेचर क्या है, कम है, जब वो एयर इसके कॉन्टैक्ट में आएगी तो बॉडी की जो हीट है वो एयर लेके क्या होगी, एनवायरमेंट में चली जाएगी। बट रिवर्स कब होगा, रिवर्स ये होगा यदि एयर का टेम्परेचर हाई है और बॉडी का टेम्परेचर क्या है, आपका लो है, तो इस केस में क्या होगा, एयर जो है आपकी वो अपनी हीट किसको दे देगी, बॉडी को दे देगी। आगे वैसे समझे, तो यहाँ भी क्या है, एक लोचा हमको समझ में आया कि कन्वेक्शन और जो रेडिएशन जो प्रोसेस है ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। आगे वैसे समझे, पॉजिटिव की मतलब होता है कि हमारी बॉडी है वो हीट को सराउंडिंग को दे रही है, इसको हम पॉजिटिव से लिखते हैं। नेगेटिव का मतलब है हमारी जो बॉडी है वो हीट को गेन कर रही है, इसको हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ अगर हम समझने की कोशिश करें, तो यहाँ एक इक्वेशन हमने लिखने की कोशिश करी, इस इक्वेशन को समझो। इस इक्वेशन में ये QM क्या है, QM इज द टोटल हीट जनरेटेड बाय मेटाबॉलिज्म। हमारी जो बॉडी है उसने मेटाबॉलिज्म से कितनी हीट जनरेट करी, तो उसको हमने रिप्रेजेंट किया है QM से। आगे बात समझ, अब इस QM का हमने मेजर पार्ट क्या किया, पूरा दिन जो वर्क किया उसमें खर्च कर दिया। अब क्या हुआ, QM माइनस W, इसको बोलते हैं हम बची हुई हीट। ये बची हुई हीट हमको क्या करनी है, टोटली रिजेक्ट करनी है। आगे वास्तव में अब रिजेक्ट करनी है, अदरवाइज क्या होगी, हम ये रिजेक्ट नहीं करेंगे तो ये बॉडी के अंदर क्या हो जाएगी, स्टोर्ड होना शुरू हो जाएगी। अगर बॉडी के अंदर स्टोर्ड होगी तो बॉडी का टेम्परेचर में क्या करेगी, ये चेंज लाएगी। हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो 37 डिग्री कॉन्स्टेंट मेंटेन होना जरूरी है। आगे वास्तव में अब क्या होता है, ये जो बची हुई हीट है इसको हम क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। तो रिजेक्ट किस किस फॉर्म में कर सकते हैं, ये बची हुई हीट हमको रिजेक्ट कर सकते हैं क्यूई, QE को बोलते हैं हीट रिजेक्टेड बाय इवोपरेशन। आगे वैसे समझे, इसको हमने ये जो QE है ये हमेशा पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव का मतलब ये है जो इवोपरेशन की वजह से जो हीट लॉस होगी वो हमेशा बॉडी से सराउंडिंग होगी, कभी भी सराउंडिंग से बॉडी को इवोपरेशन की वजह से हीट नहीं मिल सकती। ये एक आपको इवोपरेशन के केस में समझना होगा। दूसरी चीज है QR, हीट रिजेक्टेड या गेन्ड बाय रेडिएशन। हमने अच्छी तरीके से बताया यदि बॉडी से हीट ट्रांसफर कहाँ हो रही है, सराउंडिंग को हो रही है, तो उसको बोलते हैं हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम बॉडी टू सराउंडिंग, तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव। वहीं आपका हीट क्या हो रही है, आपकी हीट आपकी सराउंडिंग से कहाँ आ रही है, आपकी सराउंडिंग से आपकी बॉडी के अंदर आ रही है, तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव। आगे बात समझ में, तो यहाँ पर रेडिएशन में आपका दो केस हो सकते हैं। सिमिलरली कन्वेक्शन, हीट ट्रांसफर या गेन ड्यू टू कन्वेक्शन। आगे वाला समझ में, और QS मतलब होता है आपका हीट स्टोर्ड इन द बॉडी। आगे वाला समझ में, तो हम यहाँ क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन हमें गाइड करती है कि बॉडी कब कंफर्टेबल फील करेगी और कब कंफर्टेबल फील नहीं करेगी। तो यहाँ एक सिंपली समझने की चीज थी, QM इज द मेटाबॉलिक हीट प्रोड्यूस विद इन द बॉडी, W इज द यूजफुल रेट ऑफ वर्किंग, दिन भर आपने कितना काम किया वो है, और QM माइनस W ये जो वो हीट की मात्रा है जिसको हमको क्या करना है, एटमॉस्फेयर को डिसिपेट करना है। आगे बात समझो, अगर आप QE समझना चाहो तो QE क्या है, यहाँ पे हीट लॉस्ट बाय इवोपरेशन, QR इज द हीट लॉस्ट और गेन बाय द रेडिएशन। लॉस्ट मतलब आपकी बॉडी से सराउंडिंग, गेन मतलब आपकी सराउंडिंग टू बॉडी, QC हीट लॉस्ट और गेन बाय द कन्वेक्शन, और QS हीट स्टोर्ड इन द बॉडी। हमारी जो बॉडी है वो कंफर्टेबल कब फील करेगी, हमारी बॉडी कंफर्टेबल तब फील करेगी जब QE, QR और QC इन तीनों की अगर वैल्यू हम ऐड करते हैं। आगे बात समझ में, अगर ये पॉजिटिव है और अगर इनकी वैल्यू ऐड करते हैं, और अगर तीनों की एडिशन ये QM माइनस W से क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो उस केस में क्या हो जाएगा, मेरा जो स्टोर्ड टेम्परेचर, स्टोर्ड हीट है, हीट स्टोर्ड होगी बॉडी के अंदर, वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अगर QE प्लस QR प्लस QC इज ग्रेटर देन QM माइनस W। आगे समझ, या सिंपली ये समझना चाहो कि हमारा जो स्टोर्ड हीट है आपकी QS,
यदि QS की मात्रा नेगेटिव होगी तो नेगेटिव का मतलब यह है कि हमारी बॉडी है, बॉडी के अंदर जो हीट है वो क्या होगी, एक्सेसिव लॉस्ट होगी। अगर एक्सेसिव लॉस्ट हो जाएगी इसकी वजह से क्या होगा, आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो डाउन होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब हमारी बॉडी का टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो गया, इसका मतलब ये होगा आपकी बॉडी क्या हो जाएगी, आपकी बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, आप बॉडी के अंदर आप कोल्ड फील करना शुरू करोगे, आपकी बॉडी ठंडी ठंडी होना शुरू हो जाएगी। आगे बात समझे, तो QS आपका क्या है, बेसिकली आप कोल्ड कब फील करोगे, आप कोल्ड तब फील करोगे जब QS आपका क्या हो, नेगेटिव हो जाए। वहीं आपकी अगर स्टोर्ड बॉडी, स्टोर्ड हीट है आपकी, स्टोर्ड हीट क्या हो जाए, बॉडी के अंदर पॉजिटिव हो जाए, पॉजिटिव हो जाएगा तो उस केस में अपन अपनी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और बॉडी का इंक्रीज, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हमें क्या शो होगा, हमें फीवर शो होगा, हमारी बॉडी गर्म गर्म फील करना शो करेगी। वहीं अगर आपकी, हम चाहते हैं, हम कंफर्टेबल कंडीशन चाहते हैं, तो हम कंफर्टेबल कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए, जो मेरा स्टोर्ड हीट है आपकी QS, जो हमारा QS है वो हमेशा क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। जीरो होने का मतलब ये है कि टोटल हीट बॉडी के अंदर जो जनरेट हुई वो किसी भी रूप में, वर्क के रूप में या हीट लॉस्ट के रूप में क्या हो जाना चाहिए, सराउंडिंग को ट्रांसफर हो जाना चाहिए, अदरवाइज बॉडी के अंदर स्टोर्ड होना शुरू हो जाएगी। या बॉडी की रिवर्स, एक्सेसिव हीट लॉस्ट हो गई तो भी नुकसानदायक है। तो हम क्या चाहते हैं, जो मेरा हीट जनरेटेड और हीट लॉस्ट है उसका क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। तो उस केस में क्या होगा, जो स्टोर्ड हीट होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। उस समय जो ह्यूमन बींग है वो क्या करेगा, कंफर्टेबल फील करेगा। ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, आपका ये जो हीट है वो क्या होगी, ह्यूमन बॉडी में आपका मेटाबोलिज्म होगा और मेटाबोलिज्म की वजह से क्या होगी, ह्यूमन बॉडी के अंदर हीट जनरेट होगी। ये जो हीट जनरेट हो रही है तो इसका काम है, हीट जनरेट होने की वजह से बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, राइज होगा। तो हमें क्या करना है, हमारी बॉडी क्या करती है उस समय हीट को क्या करेगी, रिजेक्ट करेगी। जैसे ये मेरे QR मैंने यहाँ शो कर रखा है, हीट रिजेक्टेड ड्यू टू रेडिएशन, और यहाँ पे अंदर की तरफ एरो कर रखा है, हीट गेन ड्यू टू रेडिएशन। ये डिपेंड करता है एनवायरमेंट की कंडीशन और बॉडी के टेम्परेचर की कंडीशन, इस पर आपका डिपेंड करता है। सिमिलरली ये QE, क्यू इज द हीट लॉस ड्यू टू इवोपरेशन, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये जो हीट लॉस होगी वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी। क्यू सी इज द हीट लॉस और गेन ड्यू टू कन्वेक्शन। आप समझ सकते हो कि हमारे जो बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि ये टेम्परेचर आपका बढ़ने की कोशिश करता है और 40.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होने की कोशिश करेगा तो हमारी बॉडी अनकंफर्टेबल फील करेगी। वहीं यदि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होने की कोशिश करेगा तो उस समय भी हमारी बॉडी क्या करेगी, अनकंफर्टेबल फील करेगी। ऐसी दो दशाएं होती है जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो क्या हो, चेंज होने की कोशिश करे, तो हमारी बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म होता है जिसको हम बोलते हैं वेसोमोटर कंट्रोल मैकेनिज्म। वेसोमोटर कंट्रोल मैकेनिज्म क्या होता है इसको समझने की कोशिश करो। ये क्या करता है, हमारे सपोज करो हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो गया, कम होने की कोशिश कर रही है। कम होने का मतलब ये है हमारी बॉडी अंडर टेम्परेचर जा रही है। अगर हमारी बॉडी अंडर टेम्परेचर जाएगी तो उस समय ये जो मैकेनिज्म है वेसोमोटर कंट्रोल मैकेनिज्म, ये क्या करेगा, हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसको स्लो कर देगा। आगे बात समझे, और ये क्या करेगा, हमारी बॉडी के जो हीट लॉस्ट हो रहा है आगे बस में उसको क्या करेगा, कम करने की कोशिश करेगा। तो ये क्या करता है, हमारा थर्मोस्टेट मैकेनिज्म, हमारी बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म है थर्मोस्टेट मैकेनिज्म, जो क्या करता है, टेम्परेचर कंट्रोल करता है, जिस मैकेनिज्म का नाम क्या है, वेसोमोटर कंट्रोल मैकेनिज्म। सिमिलरली आपका क्या करता है, यदि बॉडी का टेम्परेचर राइज हो रहा है तो ये क्या करेगा, उस समय ब्लड का सर्कुलेशन फास्ट कर देगा और बॉडी का क्या करेगा, टेम्परेचर सराउंडिंग को लॉस्ट करवाना शुरू कर देगा। तो इस समय जब ओवर टेम्परेचर होता है तो ये वेसो कंट्रोल मैकेनिज्म जो होता है वो क्या करता है, बॉडी से हीट का रिजेक्शन फास्ट करवाता है। और यही मैकेनिज्म जब बॉडी का टेम्परेचर लो हो जाता है उस समय क्या करता है, जो हीट का आउटफ्लो है मतलब हीट जो बॉडी से बाहर निकल रही है उसको क्या कर देगा, कम कर देगा। तो हमारी बॉडी कंफर्टेबल कंडीशन क्या है, जब बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर कॉन्स्टेंट मेंटेन रहना चाहिए, मतलब इससे ज्यादा न तो टेम्परेचर होना चाहिए न इससे कम होना चाहिए। आगे बात समझ में, एक महत्वपूर्ण जानकारी है जिसको हम बोलते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ह्यूमन कंफर्ट। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो ह्यूमन कंफर्ट को अफेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे हमने कुछ फैक्टर डिस्कस किए हैं, जिसमें जो पहला फैक्टर है जिसको हम बोलते हैं इफेक्टिव टेम्परेचर, इसको हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे। जो दूसरा फैक्टर है जिसको हम बोलते हैं हीट प्रोडक्शन एंड रेगुलेशन इन ह्यूमन बॉडी, तो हमने अभी डिस्कस किया कि जो हीट प्रोडक्शन का मतलब है हमारी बॉडी ड्यू टू मेटाबॉलिज्म हीट जनरेट करती है और उस हीट को हम क्या करते हैं, कुछ पार्ट वर्क में दिन भर हमारा जो कार्यकलाप होते हैं उसमें खर्च करते हैं और बाकी पार्ट सारा हमारी बॉडी क्या करती है, रिजेक्ट करती है।
तो यही चीज क्या कहलाती है, हीट प्रोडक्शन एंड रेगुलेशन इन ह्यूमन बॉडी। यदि ये हीट बॉडी के अंदर स्टोर्ड होना शुरू करेगी या एक्सेसिव रिजेक्ट हो जाएगी हीट, तो ह्यूमन बींग क्या करेगा, अनकंफर्टेबल फील करेगा। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ हीट प्रोडक्शन एंड रेगुलेशन इन ह्यूमन बॉडी। तीसरा जो फैक्टर है जिसको हम बोलते हैं मॉइस्चर कंटेंट ऑफ एयर, हम अच्छे तरीके से जानते हैं जो समर एयर कंडीशनिंग होती है, या समर की बात करें तो समर में क्या होता है आपका, समर में हमारे जो एयर होती है उसका क्या होता है, ड्राइबल्ब टेम्परेचर हाई होता है, और उस हाई ड्राइबल्ब टेम्परेचर की वजह से जो एयर है वो ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चर क्या कर सकता है, होल्ड करके रख सकता है। इस वजह से क्या होता है, समर के अंदर जो एयर होती है उसके अंदर क्या होता है, मॉइस्चर की मात्रा क्या होती है, काफ़ी बढ़ जाती है, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी, या ह्यूमिडिटी की जो मात्रा है वो एयर के अंदर काफ़ी बढ़ जाएगी, और उस हाई ह्यूमिडिटी एयर की वजह से जो ह्यूमन बींग है वो अनकंफर्टेबल फील करता है। आप देखोगे समर के अंदर आपका जो शरीर है वो चिपचिपा स्टिकी रहता है, इस वजह से आप क्या करते हो, अनकंफर्टेबल फील करते हो। तो हम एक चीज़ समझ सकते हैं, वहीं यदि हम विंटर की बात करें तो विंटर में क्या होता है, विंटर में हमारी बॉडी है वो क्या करती है, ड्राई होना शुरू हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि उस समय आपका जो ड्राइबल्ब टेम्परेचर है एयर का वो काफ़ी कम रहता है, इस वजह से एयर क्या करता है, जो मॉइस्चर होल्ड करना पड़ेगा एयर को वो क्या करता है, कम होल्ड करता है। इस वजह से विंटर में क्या होता है, आपका एयर के पास मॉइस्चर की काफी कमी हो जाती है, इस वजह से हमारी जो बॉडी है वो भी क्या हो जाती है, ड्राई होना शुरू कर जाती है। इस वजह से हम समझ सकते हैं कि जो मॉइस्चर है एयर के अंदर वो एक डिजायर क्वांटिटी के अंदर होना चाहिए, यदि इसका मात्रा बढ़ती है और घटती है तो ये सीधा सीधा क्या करती है, ह्यूमन कंफर्ट को अफेक्ट करती है। आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो कि ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर कंटेंट ऑफ एयर किस तरीके से ह्यूमन कंफर्ट को अफेक्ट करती है। चौथा जो पॉइंट है उसको बोलते हैं क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ एयर। क्वालिटी का मतलब होता है जो एयर है आपकी, हम जो एयर कंफर्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं, या एयर कंडीशनिंग स्पेस जिसके लिए हम एयर यूज़ कर रहे हैं, तो वो जो एयर है वो क्या होने चाहिए, ऑडरलेस होने चाहिए। आगे बात समझे, यदि उस एयर के अंदर किसी तरह की गंध है, या हम ये बात कर सकते हैं उस एयर के अंदर गंध, कार्बन डाइऑक्साइड या किसी तरह की भी इम्प्योरिटीज आपकी एयर के अंदर मौजूद है, तो वो उस समय आप क्या करोगे, उस समय हमारी जो बॉडी है वो अनकंफर्टेबल फील करेगी। तो ऐसी एयर हम यदि यूज़ करते हैं कंफर्ट के लिए, तो उस एयर में हम क्या करेंगे, अनकंफर्टेबल फील करेंगे। तो हमारी जो क्वालिटी ऑफ एयर का मतलब है, हमारी जो एयर है वो क्या होना चाहिए, फ्री फ्रॉम टॉक्सिक, किसी तरह के कोई टॉक्सिक नहीं होने चाहिए, किसी तरह की कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होनी चाहिए, किसी तरह की कोई गंध नहीं होनी चाहिए। आगे समझे, ऐसी एयर, तो ऐसी एयर क्या कहलाती है, क्वालिटी ऑफ एयर कहलाती है। तो हम समझ सकते हैं कि हमारे जो कंफर्ट कंडीशन में एयर की क्वालिटी भी किस तरह का रोल प्ले कर सकती है। आप गंदी एयर और बदबूदार एयर को अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हो, तो आप क्या करोगे, अनकंफर्टेबल फील करना शुरू कर दोगे। तो हम ऐसा एनवायरनमेंट चाहते हैं जहां पर आपकी ये सारी इम्प्योरिटीज एयर के अंदर मौजूद नहीं हो, ऐसा क्या कहलाता है, आपका क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एयर कहलाता। पांचवा पैरामीटर है वो है एयर मोशन। एयर मोशन का क्या मतलब होता है, एयर मोशन मीन्स आपका वेलोसिटी ऑफ एयर। तो हमारे ऊपर जो एयर फ्लो हो रही है, हम ह्यूमन बींग के ऊपर यदि एयर फ्लो करवा रहे हैं, बहुत तेज हवा या बहुत तेज या बहुत स्पीड में यदि एयर फ्लो करवा रहे हैं, तो ह्यूमन बींग अनकंफर्टेबल फील करेगा। वहीं अगर एयर का जो मोशन है वो डिजायर्ड होना चाहिए, ना ज़्यादा कम होना चाहिए ना ज़्यादा फास्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि जो एयर की वेलोसिटी है वो भी क्या करती है, ह्यूमन कंफर्ट को अफेक्ट करती है। आप तेज हवाओं में खड़े नहीं रह सकते, यदि हम तेज हवाओं में बाहर की तरफ खड़े हो जाएं तो आपको लगेगा कि मैं अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूं। तो वही चीज़ें वेलोसिटी भी आपका क्या करती है, ह्यूमन कंफर्ट को अफेक्ट करती है। जो छठा पेटा पैरामीटर है वो है हॉट एंड कोल्ड सरफेस। तो हॉट एंड कोल्ड सरफेस किस तरीके से अफेक्ट करती है, सपोज करो आप किसी हॉट बॉडी के नियर खड़े हुए हो, तो हॉट बॉडी के नियर खड़े होने की वजह से हमारा जो उस समय क्या होगा, उस समय वो हॉट बॉडी क्या करेगी, हमारा टेम्परेचर भी राइज करने का कोशिश करेगी, और राइज करने की वजह से हम क्या करेंगे, अनकंफर्टेबल फील करना शुरू कर देंगे। तो इसका एक सबसे बढ़िया एग्जांपल है हॉट बॉडी का, वो है आपका रूम। रूम के अंदर क्या होती है, सीलिंग होती है। तो समर में क्या होता है, वो सीलिंग क्या हो जाती है, आपकी सीलिंग का टेम्परेचर बढ़ जाता है समर के अंदर। तो समर के अंदर उस टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से आप रूम के अंदर जब जाते हो तो वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, और गर्म होने की वजह से जैसे ही आप रूम में एंटर करोगे, तो रूम में एंटर करने की वजह से आप क्या करोगे, अनकंफर्टेबल फील करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका होगा। तो वो क्या करेगा, हीट को इमिट करेगा, और वो हीट आपको सिंपली आपकी बॉडी का टेम्परेचर राइज करेगी और आप अनकंफर्टेबल होना शुरू करोगे। सिमिलरली जैसा हॉट के केस में वैसा ही कोल्ड सर्फेसेस के, हम यदि किसी कोल्ड नियर टू कोल्ड सर्फेस यदि हम खड़े हुए हैं या बैठे हैं, तो वो कोल्ड सर्फेस हमें क्या करेगी, अनकंफर्टेबल फील करवाएगी, हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या करेगी, डाउन करना शुरू कर देगी। तो ये दैट इज द मीनिंग ऑफ हॉट एंड कोल्ड सर्फेसेस।
या ये मान सकते हैं यदि हम किसी हॉट एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, हमारी बॉडी किसी हॉट एनवायरनमेंट में काम कर रही है तो वहाँ अनकंफर्टेबल ऑब्वियसली फील करेगी, और वहीं हम किसी कोल्ड एनवायरनमेंट में हमारी बॉडी काम कर रही है तो वहाँ भी क्या करेगी, अनकंफर्टेबल फील करेगी। सिमिलरली तो हमारी बॉडी क्या है, हमारी बॉडी फैक्टर का ये सारे फैक्टर हमें क्यों पढ़ने, हमारी बॉडी एक डिजायर्ड टेम्परेचर पर क्या करती है, डिजायर टेम्परेचर पे हम इफिशियंटली काम कर सकते हैं। आगे बात समझे तो इन सारे फैक्टरों को डिस्कस करना ये इसलिए जरूरी है कि हमारी बॉडी से हम अगर इफिशियंटली और 100% काम लेना चाहते हैं तो हमारी बॉडी को एक प्रॉपर और एक अच्छा एनवायरनमेंट देना जरूरी है। सातवां पैरामीटर है जिसको बोलते हैं एयर स्ट्रेटिफिकेशन। एयर स्ट्रेटिफिकेशन क्या कहलाता है, देखो यदि हम रूम की बात करें तो रूम में क्या होता है, आपका सीलिंग है और फ्लोर है। आगे बात समझे यदि हम समर की बात करते हैं, समर में सीलिंग क्या हो जाती है, आपकी गर्म होती है, फ्लोर क्या है आपका उससे कम टेम्परेचर पे होता है। अब क्या होता है जब एयर है आपकी, यदि एयर क्या हो जाए आपकी गर्म हो जाए, तो गर्म होने की वजह से एयर की क्या हो जाती है, जो डेंसिटी होती है एयर की, जो डेंसिटी वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। समझना, जब एयर है आपकी, एयर को क्या कर दिया जाए, उसको गर्म कर दिया जाए, तो एयर समर के अंदर सेल्फ गर्म हो जाएगी, और गर्म होने की वजह से एयर क्या करती है, एयर की डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, और डिक्रीज होने की वजह से एयर क्या करेगी, ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगी। जब एयर ऊपर की तरफ उठना शुरू करेगी तो जो फ्लोर की जो एयर है वो सारी सारी कहाँ पे इकट्ठी हो जाएगी, जाके इकट्ठी हो जाएगी वो सीलिंग के ऊपर। आगे बात समझे, अगर रूम की बात कर रहे हैं हम तो रूम में जो फ्लोर के हमारा जो एयर है वो पूरे रूम में क्या होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। बट इस एयर स्ट्रेटिफिकेशन की वजह से सारी सारी एयर क्या चली जाएगी, आपकी ऊपर की तरफ चली जाएगी, और ऊपर की तरफ जाने की वजह से एयर का क्या हो जाएगा, फ्लोर का टेम्परेचर तो डिक्रीज रहेगा और सीलिंग का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और इस वजह से क्या हो जाएगा, टेम्परेचर में डिफरेंस आ जाएगा, इसको बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। आगे बात समझे, और यही जो घटना होती है एयर के साथ वही क्या कहलाती है, एयर स्ट्रेटिफिकेशन कहलाती है। तो यहाँ समझ सकते द मोमेंट ऑफ एयर टू प्रोड्यूस द टेम्परेचर ग्रेडियंट, ये जो एयर का मोमेंट होगा कहाँ से, फ्लोर से सीलिंग के ऊपर, और ये क्या कर रहा है आपका, ये कर रहा है आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट प्रोड्यूस कर रहा है। आगे बात समझे, किस किस के बीच में, फ्लोर और सीलिंग के बीच में, ये क्या कहलाता है आपका, एयर स्ट्रेटिफिकेशन कहलाता है। तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारा जो ये स्ट्रेटिफिकेशन जो हो रहा है, स्ट्रेटिफिकेशन वो एयर कंडीशनिंग के अंदर नहीं होना चाहिए, ह्यूमन कम्फर्ट अनकम्फर्टेबल फील करना शुरू हो जाए। क्यों, क्योंकि फ्लोर का टेम्परेचर कम होगा और सीलिंग का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और ये ग्रेडियंट की वजह से क्या हो जाए आपका, इस ग्रेडियंट की वजह से हम अनकम्फर्टेबल फील करेंगे। आप समझ सकते हो सीलिंग का टेम्परेचर ज़्यादा ही होता है समर के अंदर। एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जो हमने यहाँ डिस्कस नहीं किया जिसका नाम था इफेक्टिव टेम्परेचर। इफेक्टिव टेम्परेचर क्या होता है और इसको किस तरीके से यूज़ किया गया है, इसको अच्छे से हम समझने की कोशिश करते हैं। जो इफेक्टिव टेम्परेचर होता है ये बेसिकली क्या है आपका, अकॉर्डिंग टू एशरे ने क्या किया, एक इंडेक्स डिफाइन किया। देखो हमने जो टेम्परेचर पढ़े हैं वो ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर और काफ़ी टेम्परेचर हमने डिस्कस किया, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट डिप्रेशन। बट यहाँ जो इम्पोर्टेंट एक पैरामीटर डिफाइन किया वो है इफेक्टिव टेम्परेचर। इफेक्टिव टेम्परेचर क्या है आपका, ये कोई टेम्परेचर नहीं है पहली चीज़, तो ये क्या है, सिंपली एक इंडेक्स है जिसको नाम दिया क्या है, टेम्परेचर का। आगे क्वेश्चन, तो ये क्या है, एक सिंपली पहली चीज़ तो समझ लो ये एक इंडेक्स है। दूसरी चीज़ समझ लो, इस टेम्परेचर को हम मेजर नहीं कर सकते, किसी थर्मोमीटर से हम इस टेम्परेचर को मेजर नहीं कर सकते, तो सिंपली एक कॉन्सेप्ट है। इफेक्टिव टेम्परेचर क्या है, एक कॉन्सेप्ट है, या इसको हम ये भी बोल सकते हैं इफेक्टिव टेम्परेचर क्या है, एक इंडेक्स है। तो इसको कैसे डिफाइन किया, तो एशरे, हम अच्छे तरीके से जाते हैं अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीटिंग रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स, ये आपके रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसने क्या किया, एक पैरामीटर डिफाइन किया जिसका नाम था इफेक्टिव टेम्परेचर। इसको क्या बोला, इट इज अ इंडेक्स विच कोरिलेट द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्राई बल्ब टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और एयर वेलोसिटी ऑन द ह्यूमन बॉडी। तो ये क्या है आपका, यदि हम ड्राई बल्ब टेम्परेचर, हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि ह्यूमन कंफर्ट की अगर बात करते हैं तो ये तीन पैरामीटर जो होते हैं आपका, एक तो एयर का टेम्परेचर, दूसरा होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी और तीसरा होता है आपका एयर वेलोसिटी, ये तीनों क्या करते हैं, ह्यूमन कंफर्ट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो कोई ऐसा पैरामीटर मैं डिफाइन करूं जो इन तीनों को क्या करे, कोरिलेट करे। कोरिलेट का मतलब एक पैरामीटर डिफाइन करो और इन तीनों की परिभाषा वो स्वतः ही दे दे। अगर समझे, तो ऐसा पैरामीटर क्या कहलाता है आपका, इफेक्टिव टेम्परेचर। तो इफेक्टिव टेम्परेचर क्या करता है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और एयर वेलोसिटी, इन तीनों को क्या कर देता है, कोरिलेट कर देता है। अगर समझे, तो हमारे पास अगर मैं किसी पर्टिकुलर इफेक्टिव टेम्परेचर की बात करता हूँ तो उस इफेक्टिव टेम्परेचर पर कुछ ड्राई बल्ब टेम्परेचर होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगा, एयर वेलोसिटी, इन तीनों के कॉम्बिनेशन होंगे, और उस कॉम्बिनेशन पे और उस इफेक्टिव टेम्परेचर पे क्या करेगा, पर्सन क्या करेगा, कंफर्टेबल फील करेगा। आगे बात समझे,
एक इफेक्टिव टेम्परेचर के लिए, एक यहाँ चीज समझो, एक इफेक्टिव टेम्परेचर के लिए ड्राई बल्ब टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और एयर वेलोसिटी के कई सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। क्या बोला मैंने, एक इफेक्टिव टेम्परेचर के लिए ड्राई बल्ब टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और एयर वेलोसिटी के कई सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। मतलब ये तीनों मिलकर क्या कर सकते हैं, इन तीनों के कई सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, बट उन सबका कॉम्बिनेशन का जो इफेक्टिव टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, एक होगा। आगे बात समझ में। तो ऐसा पैरामीटर, ऐसा इंडेक्स जो इन तीनों को क्या करे, कोरिलेट करे, ऐसा पैरामीटर क्या कहलाता है, आपका इफेक्टिव टेम्परेचर कहलाता है। आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसको और डिटेल में समझने के लिए हमें एक चार्ट को समझना होगा जिसको हम बोलते हैं कंफर्ट चार्ट। तो इसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है आपका इफेक्टिव टेम्परेचर का, या इफेक्टिव टेम्परेचर का जो प्रैक्टिकल हमने एप्लीकेशन किया गया है वो किस में किया गया है, किसने आपका एश्रे ने, वो किया गया आपका कंफर्ट चार्ट में। तो हमें यहाँ एक महत्वपूर्ण चीज समझनी है जिसको हम बोलते हैं कंफर्ट चार्ट। तो कंफर्ट चार्ट में पहली चीज तो आपका किस तरीके से ड्रॉ किया गया ये चार्ट, ये जो चार्ट हमको यहाँ नजर आ रहा है इसको हम बोलते हैं कंफर्ट चार्ट। तो पहली चीज यहाँ जो समझ दी वो ये समझ दी हमको कि इस कंफर्ट चार्ट को किस तरीके से बनाया गया और इस कंफर्ट चार्ट से हम क्या क्या जानकारियाँ हमने हासिल करी, ये सारी चीजों की हमको जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज तो क्या किया, जो एश्रे है आपका, एश्रे अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीटिंग रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स, इसने क्या किया, एश्रे ने बहुत सारे पीपल्स लिए आपके, उन सब पीपल में डिफरेंट काइंड के पीपल लिए, अलग अलग एरिया से अलग अलग क्लाइमेट में रहने वाले लोगों को उसने इकट्ठा किया और उन सब लोगों को क्या किया, अलग अलग एनवायरनमेंट में उन्होंने अलग अलग एनवायरनमेंट उन सब लोगों को दिया। आगे वैसे अलग अलग एनवायरनमेंट को देने का मतलब होता है हमने क्या किया, एक पर्सन लिया, उसको आपका कुछ ड्राइबल टेम्परेचर वाले एनवायरनमेंट में रखा, उसको कुछ ह्यूमिडिटी में रखा आगे से, और उसके ऊपर कुछ एयर वेलोसिटी लगाई। साथ ही साथ हमने क्या किया, उन लोगों के ऊपर क्या किया, हमने उनको कुछ कुछ कार्य करने के लिए दिया। एक बात समझो आप, यहाँ पे क्या किया गया, आपने एशन ने ये जब चार्ट बनाया तो उसने क्या किया, आपने डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल लिए आगे से, उन डिफरेंट काइंड ऑफ पीपलों को क्या किया, उसने अलग अलग एनवायरनमेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी और एयर वेलोसिटी के अंदर उन्होंने रखा। आगे बात से दूसरी चीज क्या किया, उन जो जो लोगों को उन्होंने रिसर्च के लिए लिया था उन लोगों के ऊपर क्या किया, उन्होंने जो एयर का जो फ्लो था वो कांस्टेंट रखा। मीन्स आपके जो ये चार्ट बना हुआ उस चार्ट में जो एयर की जो वेलोसिटी वो कितनी है, 5 to 8 meters per minute, इससे ज्यादा और इससे कम एयर की वेलोसिटी नहीं हो सकती। मीन्स आपकी एयर की वेलोसिटी कॉन्स्टेंट रखी 5 to 8 meters per minute। दूसरी चीज उन सब लोगों को क्या किया, कुछ लाइट काम करने के लिए दिया। पहली चीज हो गई आपका एयर की वेलोसिटी 5 to 8 meters per minute। दूसरी चीज ये चार्ट बनाने पे उन्होंने क्या किया, उन लोगों से क्या किया, कुछ हल्का काम करवाया गया, या तो आराम करो आप, या दूसरी चीज क्या करो उस एनवायरमेंट के अंदर क्या करो आप, हल्का काम करो, मतलब हेवी काम के लिए इस चार्ट को यूज नहीं किया। अगर से अब इस चार्ट को किस तरीके बनाया गया, इस चार्ट में क्या किया इन्होंने, ये जो एक्सिस थी इस पर ड्राई बल्ब टेम्परेचर लिया और इस एक्सिस पे वाई एक्सिस पे क्या लिया इन्होंने, वेट बल्ब टेम्परेचर। तो हम ये कह सकते हैं इस ग्राफ में हमने एक्स एक्सिस पे तो क्या लिया, अपने ड्राई बल्ब टेम्परेचर लिया और वाई एक्सिस पे क्या लिया, हमने वेट बल्ब टेम्परेचर ले लिया। आप यहाँ पे आराम से इस डायग्राम को बना सकते हो, ऐसा कुछ टफ डायग्राम नहीं है ये। अब क्या है, इस डायग्राम में हमने क्या किया, हमने साइकोमेट्रिक चार्ट से क्या करी, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइंस थी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइंस हमने साइकोमेट्रिक चार्ट पे देखी, जो कर्व लाइन थी उसको क्या बोलते हैं, उन रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइंस को हमने क्या किया, इस चार्ट के ऊपर प्लॉट किया इस तरीके से, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% और 100%। तो ये 10 जो लाइन है मेरी वो क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन है। अब क्या किया, साथ ही साथ मैंने क्या किया, इस चार्ट के ऊपर आप देखो यहाँ पे एक स्टेटिस्टिकल डाटा आपका रिप्रेजेंट किया। तो ये मैंने क्या किया, समर सीजन के लिए मैंने एनालिसिस किया था और ये जो एनालिसिस है वो मेरा किसके लिए, विंटर के लिए। आगे बात समझो, तो आप समझ सकते हो यहाँ पे जो वर्टिकल लाइन है वो तो क्या है, वर्टिकल 1, 2, 3, 4, 5, ये जो लाइन्स है आपकी वर्टिकल वो तो मेरी ड्राइवर टेम्परेचर लाइन है, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स है वो क्या है, मेरी वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन होगी। ये जो इंक्लाइंड लाइन है वो मेरी क्या है, आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन है। इसी में एक और हमने जो पैरामीटर डिफाइन किया था जिसको बोलते हैं इफेक्टिव टेम्परेचर। तो ये जो लाइन्स है आपकी, जो ये इंक्लाइंड लाइन आप देख रहे हो थोड़ी सी कर्व शेप में भी है आपकी, इन लाइंस को हम बोलते हैं इफेक्टिव टेम्परेचर लाइंस। आगे समझ, ये जो लाइंस है वो मेरी क्या है, इफेक्टिव टेम्परेचर लाइन है। अब मैं आपको जो मेरा इफेक्टिव टेम्परेचर है वो क्या करता है, कोरिलेशन बिटवीन ड्राई बल्ब टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और एयर वेलोसिटी, इन तीनों को अगर एक ही पैरामीटर में मुझे बांधना है तो वो पैरामीटर क्या कहलाता है, आपका इफेक्टिव टेम्परेचर। जैसे मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट पे क्या है आपका, देखो इस पूरी लाइन पे इफेक्टिव टेम्परेचर क्या है,
16 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस लाइन पे अगर मैं बात करूं तो मुझे कंफर्ट के बहुत सारे कंडीशनें मिलेंगी। एक ही इफेक्टिव टेम्परेचर पे यहां देखो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है 100% है, और यहां पे ड्राइबल्ब टेम्परेचर कितना है 16 डिग्री सेंटीग्रेड है आगे वैसे, और एयर वेलोसिटी कितनी है 5 to 8 मीटर पर मिनट। यदि इसी को हम आगे बढ़ाते हुए आए तो यहां देखो यहां पे क्या हो गया, ड्राइबल्ब टेम्परेचर चेंज हो गया, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60% हो गई, यहां पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होगी 60, ड्राइबल्ब टेम्परेचर अमूमन 70 डिग्री सेंटीग्रेड बट इफेक्टिव टेम्परेचर कितना है 16 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब एक ही इफेक्टिव टेम्परेचर पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ड्राइबल्ब टेम्परेचर और एयर वेलोसिटी के बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जिसपे ह्यूमन बींग क्या करता है कंफर्टेबल फील करता है। तो यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे एक आपको स्टेटिस्टिकल डाटा दे रखा है जिसको हम बोलते हैं समर सीजन के लिए, और दूसरा चीज किया गया है विंटर के लिए। हमने क्या किया, हमने ये चीज फाइंड आउट करने की कोशिश करी कि हमने पहले तो क्या किया समर सीजन की बात करते हैं, तो समर में हमने देखा कि हमने अलग अलग लोगों के ऊपर एनालिसिस किया तो हमने देखा कि जो मेजर पोर्शन है आपका, अगर ये ग्राफ देखो आप तो ये ग्राफ कुछ 18 डिग्री इफेक्टिव टेम्परेचर से शुरू होता है और 18 डिग्री से बढ़ता बढ़ता ये लगभग 26 डिग्री तक आपका ये कर्व जा रहा है। तो हमने देखा, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ पीपल लिया अपने, परसेंटेज ऑफ पीपल में यदि हम समझने की कोशिश करें तो परसेंटेज ऑफ पीपल में क्या है आपका, हम देखते हैं यहाँ पे 10%, 20%, 30%, 40% पीपल, 50% पीपल, 60%, ये 100% पीपल। तो हम ये देखते हैं कि 90% पीपल जो होते हैं आपके, 98%, यहाँ देखो ये कर्व 100% को टच नहीं करता, 98% पीपल जो होते हैं आपके वो क्या करते हैं आपके, वो 21.6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे क्या करते हैं कंफर्टेबल फील करते हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि 98% पीपल समर सीजन के अंदर, 98% पीपल, यहाँ पे हमने पैरामीटर क्या लिया, 98% पीपल जो होते हैं वो समर सीजन के अंदर क्या करते हैं आपके 21.6 डिग्री सेंटीग्रेड इफेक्टिव टेम्परेचर पर कंफर्टेबल फील करते हैं। आगे बात समझे, वहीं आप देख सकते हो यहाँ पे 10% पीपल है वो 18 डिग्री पे कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, 20% पीपल है वो कम से कम 90 डिग्री पे कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, 30% पीपल है वो इस पे कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। आगे बात समझे, 80% पीपल है जो आपके 21 और ये यहाँ भी देख सकते हो 80% का ये और 23 डिग्री पे कंफर्टेबल फील करते हैं। तो यहाँ हम ये समझ सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ पीपल के हिसाब से जो इफेक्टिव टेम्परेचर की रेंज है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, बट जो मेजर रेंज है, जो मेजर पीपल है, 98% पीपल क्या करते हैं आपके किस पे कंफर्टेबल फील कर रहे हैं समर के अंदर, 21.6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे कंफर्टेबल फील करते हैं। वहीं यदि अपन विंटर की बात करें तो विंटर में क्या है आपका, जस्ट रिवर्स, देखो विंटर में क्या है आपका टेम्परेचर कंफर्ट का, देखो 16 डिग्री से जो रेंज बनाई है वो क्या बनाई है, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, अगर यहाँ देखो आप तो ये मेजर जो है वो मेजर पीपल, मतलब जो ज्यादा से ज्यादा लोग 97.7% या 98% इनको बोल सकते हैं, तो 98% पीपल किस पे कंफर्ट फील करते हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड इफेक्टिव टेम्परेचर के अंदर। ये जो लाइन है मेरी ये किसको शो कर रही है, ये शो कर रही है आपकी 20 डिग्री सेंटीग्रेड इफेक्टिव टेम्परेचर को। आगे बात समझे, तो इस टेम्परेचर पे हम क्या करते हैं, हमारे जो 97.7% पीपल है विंटर के अंदर क्या करते हैं कंफर्टेबल फील करते हैं। तो ये मेरी जो पीपल की परसेंटेज रेंज के हिसाब से मैंने कंफर्टेबल कर्व बनाया, और ये भी क्या कंफर्टेबल कर्व विंटर के लिए बनाया, ये समर के लिए बनाया और ये विंटर के लिए बनाया। ये दोनों कर्व हमने क्या किए इस ग्राफ के ऊपर, ये जो ग्राफ था इसके ऊपर क्या किया सुपर इम्पोस्ट किया हमने, इसके ऊपर इस ग्राफ को ऊपर हमने चढ़ा दिए। तो इससे ये चीज पता पड़ेगी कि ज्यादातर लोग समर में कब कंफर्टेबल फील करते हैं और ज्यादातर लोग विंटर में कब कंफर्टेबल फील करते हैं। आगे समझ, इस ग्राफ की प्रत्येक लाइन हमें क्या बताती है, हमें ये बताती है कि जो कंफर्ट का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या होना चाहिए। आगे समझ, अब देखो ये समर की कंडीशन है और ये क्या है आपकी विंटर की आपकी कंफर्ट कंडीशन है। विंटर में जो पीपल है 18 से समर में 18 से 25 डिग्री तक के बीच में जो पीपल है वो कंफर्टेबल कंडीशन फील करते हैं, वहीं यहाँ पे आप देखोगे आपका 18 से या 16 से आप मान सकते हो 16 से 22 या 23 डिग्री तक आपके पीपल हैं वो कंफर्टेबल फील करते हैं विंटर सीजन के अंदर। तो हम ऐसा रीजन चाहते हैं जिसमें पीपल क्या करें कंफर्टेबल बात करें। यदि हम विंटर की बात करें, देखो विंटर में ये क्या है 20 डिग्री सेंटीग्रेड इफेक्टिव टेम्परेचर पे मोस्टली पीपल क्या करते हैं कंफर्टेबल फील करते हैं। वहीं समर में क्या है आपका 21.6 डिग्री टेम्परेचर पे, या अपन लगभग 22 डिग्री मान सकते हैं, 21.6 डिग्री पे मेजर पीपल क्या करते हैं कंफर्टेबल फील करते हैं, ये हमने डिस्कस किया अभी। बट इस पूरी लाइन पे अगर आप देखोगे
इस पूरी लाइन पे आप देखोगे तो ये क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 20% 30% रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। आगे बात समझ, एक 20 डिग्री इफेक्टिव टेम्परेचर की अगर अपन बात करें तो इस पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। हम अच्छे तरीके से जानते हैं यदि रिलेटिव ह्यूमिडिटी 70% से ज़्यादा हो जाए तो बॉडी क्या करेगी, चिपचिपा होना शुरू कर देगी, बॉडी स्टिकी होना शुरू कर देगी। वहीं अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 30% से लो हो जाए, क्या हो जाए, 30% से कम हो जाए, तो वहाँ पे बॉडी क्या हो जाएगी, ड्राई होना शुरू हो जाती है। ये हम अच्छे तरीके से जानते हैं। इस वजह से हमें एक जोन बनाना होगा, हमें वह जोन देना होगा जहाँ पे ह्यूमन भी क्या करे, कंफर्टेबल फील करे। तो हमने क्या किया, और ये एक जोन डिसाइड किया, ये वह जोन है जिसको हम बोलते हैं कंफर्ट जोन। इस कंफर्ट चार्ट का ये वह जोन है जहाँ पे ह्यूमन बीइंग क्या करता है, कंफर्टेबल फील करता है इन बोथ समर एंड विंटर। तो मेजर जो पोर्शन है आपका लोगों का, आगे बात समझे, जो क्या करते हैं आपके इस जोन के अंदर, ये जो जोन मैंने डिसाइड किया, इस जोन के अंदर ज़्यादातर लोग बोथ समर और विंटर के अंदर क्या करते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कंफर्ट जोन बोलते हैं। आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कंफर्ट जोन क्या होता है। हम अच्छे तरीके से यहाँ इस ग्राफ से हमने जो कंक्लूजन निकाला वो ये निकाला कि 30% से अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो जाती है तो स्किन होती है वो ड्राई हो जाती है। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 70% यदि 70% से, यहाँ 30 नहीं है, 70% से ज़्यादा है तो स्किन बिकम स्टिकी, आपकी चिपचिपी हो जाएगी। अगर जो समर में आपने जो स्टेटिक्स हमने देखी उसके हिसाब से अगर समर में 98% पीपल जो होते हैं वो 21.6 डिग्री इफेक्टिव टेम्परेचर पर कंफर्टेबल फील करते हैं, और समझ लो विंटर में 97.7% जो पीपल होते हैं वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड इफेक्टिव टेम्परेचर पर कंफर्टेबल फील करते हैं। वहीं इस चार्ट को अध्ययन किया तो उन्होंने अगर वुमन में देखा कि वुमन जो होती हैं आपकी 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड मोर इफेक्टिव टेम्परेचर पर कंफर्टेबल फील करती है कंपेयर टू मेन। यदि आदमियों से अपन बात करें वुमन में, तो वुमन को क्या चाहिए, 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा इफेक्टिव टेम्परेचर चाहिए। वहीं यदि अपन एज फैक्टर लाएं तो जो 40 साल से ज़्यादा के वुमन और मेन है उनको क्या चाहिए, आपका 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड मोर इफेक्टिव टेम्परेचर चाहिए फॉर कंफर्टेबल। तो ये अगर अपन 40 साल से कम की बात करें तो वो क्या करते हैं आपके किसी आपका टेम्परेचर पे क्या करते हैं, कंफर्टेबल फील कर लेते हैं। वहीं अगर अपन चिल्ड्रंस की बात करें या किड्स की बात करें तो जो आपका न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनका क्या होता है, आपका बॉडी जो है वो रजिस्ट नहीं कर पाती टेम्परेचर को, इस वजह से क्या होता है आपका लोअर टेम्परेचर को, इस वजह से क्या करते हैं वो जो बच्चे हैं जो किड्स होते हैं उनका जो टेम्परेचर है इफेक्टिव टेम्परेचर उनको कंफर्टेबल के लिए क्या चाहिए, 2 से 3 डिग्री क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। तो ये सिंपली आपका कंफर्ट चार्ट है, इसमें आपको सिंपली ये डिसाइड करने की हमने कोशिश की, हमने कंफर्ट जोन निकालने की कोशिश की कि ऐसा कौन सा जोन है, ऐसी कौन सी रेंज है जिसमें पीपल्स क्या करते हैं कंफर्टेबल फील करते हैं। तो इसने एश्रे जो है आपका, एश्रे ने एक चार्ट ड्रॉ किया, ये इसमें ड्राइबल टेम्परेचर लाइन को आपका वाई एक्स एक्सिस पे लिया, WBT वेट बल्ब टेम्परेचर को वाई एक्स एक्सिस पे लिया, और सारी की सारी आपकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन है उनको इस तरीके से प्लॉट किया। आगे समझ, यहाँ पे इसने समर सीजन को शो किया है, समर सीजन में पीपल कितने पीपल का जो वेरिएशन है, पीपल का जो कंफर्ट वेरिएशन है वो शो किया। सिमिलरली ये विंटर का पीपलों का कंफर्ट वेरिएशन है वो शो किया। आगे समझ, अब देखा उसने समर और विंटर में पीपल मेजर पोर्शन कहाँ पे कंफर्ट फील करते थे, ये कंफर्ट जोन डिसाइड किया। इसमें जो हमने क्या किया, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है उसका भी मापदंड लिया कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी वो 70% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और रिलेटिव ह्यूमिडिटी वो 30% से कम नहीं होती है। तो इट इज़ होल ऑल अबाउट द कंफर्ट चार्ट। आप अच्छे से समझ गए होंगे कंफर्ट चार्ट क्या होता है और कंफर्ट चार्ट से किस किस तरीके से उन्होंने कंक्लूजन निकाले। अगर तो इस एश्रे ने क्या किया, बहुत सारे पीपल्स लोगों को ऊपर क्या किया, इस तरह का रिसर्च किया, उनको अलग अलग एनवायरमेंट के अंदर रखा, अलग अलग एनवायरमेंट के साथ साथ अलग अलग उनके ऊपर ह्यूमिडिटी एयर वेलोसिटी टेम्परेचर के अंदर रखा। बट साथ साथ उन्होंने क्या किया, उन्हें उन पीपल के ऊपर उनको जो काम करने के लिए बोला गया वो लाइट वर्क करने के लिए बोला गया, और साथ ही साथ या तो आप रेस्ट करिए या लाइट वर्क करिए। तो इस हिसाब से उन्होंने इस चार्ट को ड्रॉ किया, इसको हम बोलते हैं कम्फर्ट चार्ट। आप अच्छे से समझ गए होंगे। एक और इम्पोर्टेंट पैरामीटर जो है वो है फैक्टर अफेक्टिंग इफेक्टिव टेम्परेचर। हमने बताया जो इफेक्टिव टेम्परेचर होता है वो कोरिलेट करता है ड्राइबल टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और एयर वेलोसिटी। इन तीनों को कोरिलेट करने वाला जो आपका पैरामीटर है उसको हमने क्या डिफाइन किया, इफेक्टिव टेम्परेचर। अब बात आती है ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इस इफेक्टिव टेम्परेचर को क्या करें, इफेक्ट करें। अगले तो जो फर्स्ट फैक्टर है उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट एंड सीजनल डिफरेंस।
क्लाइमेटिक का मतलब ये है आपका कि आपका सपोज करो कोई बंदा आपका जम्मू एंड कश्मीर में रहता है और कोई बंदा आपका बाड़मेर और जैसलमेर में रहता है, तो क्लाइमेट का मतलब ये है कि जम्मू कश्मीर में रहने वाला बंदा होगा वो लो इफेक्टिव टेम्परेचर पे भी क्या करेगा, कंफर्टेबल फील करेगा। वही जो आपका बाड़मेर राजस्थान या जैसलमेर में रहने वाला बंदा है वो होगा आपका हायर इफेक्टिव टेम्परेचर पे भी क्या करेगा, कंफर्टेबल फील करेगा। तो यहाँ पे आपको इफेक्टिव टेम्परेचर, जहाँ पे आपका सीजनल रिक्वायरमेंट या बात करें तो सीजनल, अगर समर की बात करें तो समर में आपको लो इफेक्टिव टेम्परेचर चाहिएगा, वहीं अगर अपन बात करते हैं किसकी, समर में अपन को हाई इफेक्टिव टेम्परेचर चाहिएगा, वहीं अगर अपन विंटर की बात करें तो वहाँ हमें लो इफेक्टिव टेम्परेचर पे भी हम क्या करेंगे, कंफर्टेबल फील कर लेंगे। आप समझ सकते हो जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होता है तो हमारा जो बॉडी है, जैसे गर्मी में हमको 40 डिग्री पे अनकंफर्टेबल फील करते हैं, बट 35 डिग्री पे हम कंफर्टेबल फील करना शुरू कर देते हैं। आगे बात समझे, यही अगर अपन विंटर की बात करें तो विंटर में हम क्या करते हैं, विंटर में अगर 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, भाई हम 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या करते हैं, कंफर्टेबल फील करना शुरू कर देते हैं। तो क्लाइमेट का मतलब यही है आपका, जैसे आप जम्मू कश्मीर में रहते हो तो वहाँ टेम्परेचर आपका कम ही रहता है, ऑल ओवर द ईयर आपका जो टेम्परेचर है वो क्या रहता है, कम रहता है। तो आप कम टेम्परेचर पे भी क्या करोगे, कंफर्टेबल फील कर लोगे। वहीं अगर आप ऑल ओवर द ईयर आप हाई टेम्परेचर में रह रहे हो तो आपकी बॉडी यूज टू हो गई है उस टेम्परेचर की, तो आप उसके नियर जो भी टेम्परेचर होगा उस पर क्या करोगे, आप कंफर्टेबल फील कर लोगे। क्लोथिंग की बात करते हैं, अगर आप लाइट क्लोथिंग पहनते हो तो लाइट क्लोथिंग में आपका मतलब ये है आपकी जो बॉडी है वो हीट जनरेट कर रही है, तो हीट कम्प्लीटली रिजेक्ट भी कर रही है, तो हीट रिजेक्ट करती है अगर कम्प्लीटली, अगली बात समझे, तो लाइट क्लोथिंग का मतलब ये है कि हमारी जो बॉडी है वो टेम्परेचर के साथ फ्रेंडली है। तो आप ऐसे फ्रेंडली एनवायरमेंट में आप क्या करोगे, यदि हम विंटर की बात करें, अगर विंटर में आप लाइट क्लोथिंग से आपकी बॉडी कंफर्टेबल फील करती है तो हम ये मानेंगे तो आपको जो लाइट क्लोथिंग में आपका जो इफेक्टिव टेम्परेचर है वो क्या चाहिए, हमको कम चाहिए। वहीं अगर आप क्लोथिंग हाई पहनते हो तो हाई क्लोथिंग में आपका क्या हो जाएगा, आपका जो इफेक्टिव टेम्परेचर है वो क्या होगा, आपका बढ़ेगा। आगे बात समझो, एज और सेक्स का हम अच्छी तरीके से समझ गए कि जो एज है आपका, अलग अलग एज में अगर 40 ईयर टू मोर देन है आपका या 40 ईयर से लेस है आपका, तो 40 ईयर से अगर आप ज़्यादा हो तो आपका जो इफेक्टिव टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वहीं आपका एज है वो 40 ईयर से कम है तो आप कम इफेक्टिव टेम्परेचर पे भी कंफर्टेबल फील करोगे। सेक्स में हमने देखा था मेल और फीमेल, तो मेल आपका वो हायर इफेक्टिव टेम्परेचर पे कंफर्टेबल फीलता, बट वुमन में जो इफेक्टिव टेम्परेचर है वो मेल से भी क्या होता है, ज़्यादा होना चाहिए। आगे सुनिए, ड्यूरेशन ऑफ स्टे, अगर आप कहीं जा रहे हो, अगर आप उसको शॉर्ट टाइम के लिए अगर किसी एरिया में खड़े हुए तो वहाँ पे अपन को, जैसे हम बैंक की बात करें, अगर हम बैंक के अंदर जा रहे हैं, बैंक में हमारा छोटा मोटा काम किया, हम वापस आ रहे हैं, तो हमारा जो स्टे होगा वहाँ पर, ड्यूरेशन ऑफ स्टे वो क्या हो जाएगा, आपका शॉर्ट है, तो उस समय हमको हाई इफेक्टिव टेम्परेचर चाहिएगा। आगे सुनिए, अगर ड्यूरेशन ऑफ स्टे आपका लॉन्ग है, ज़्यादा देर अगर आप रह रहे हो तो वहाँ पे इफेक्टिव टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, आपका रिड्यूस हो जाएगा। काइंड ऑफ एक्टिविटीज, अगर अपन हार्ड वर्किंग कर रहे हैं तो हार्ड वर्किंग कर रहे हो तो आपको इफेक्टिव टेम्परेचर लो चाहिएगा, वहीं आप लो वर्किंग कर रहे हो, लो वेट वर्किंग कर रहे हो तो आपका इफेक्टिव टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। डेंसिटी ऑफ ऑक्यूपेंट्स का मतलब होता है कि आपके अगर ज़्यादा से ज़्यादा एक छोटी सी जगह में अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए, अगली बात समझे, तो आपका टेम्परेचर राइज भी उस हॉल का या उस ऑडिटोरियम का क्या होगा, एकदम बढ़ जाएगा। तो इस वजह से एक छोटी सी जगह में अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो वहाँ पे इफेक्टिव टेम्परेचर हमें क्या रखना पड़ेगा, कम रखना पड़ेगा। आगे बात समझे, वजह अगर आपका लोग बाग आपके कम है तो हमारा क्या हो जाएगा, ज़्यादा इफेक्टिव टेम्परेचर से भी काम चल जाएगा। तो ये कुछ फैक्टर हैं जो इफेक्टिव टेम्परेचर को प्रभावित करते हैं। आगे बात समझे, तो हमें क्या करना है, क्लाइमेट एंड सीजनल डिफरेंस, क्लोथिंग, एज एंड सेक्स, ड्यूरेशन ऑफ स्टे, काइंड ऑफ एक्टिविटी और डेंसिटी ऑफ ऑक्यूपेंट, जो कि क्या करते हैं, आपके इफेक्टिव टेम्परेचर को प्रभावित करते हैं। आशा करता हूँ आज का ये सेशन आप अच्छे से समझ पाए होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।